परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सृष्टि रचनहार कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं परम पिता हैं ये सबके उत्पादक हैं यही हमारे हमदर्द हैं हम प्राणियों को यहाँ दुखी देखकर वो परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं ये 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं इस काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा अपने निज स्थान सतलोक से चलकर गति करके यहाँ आते हैं ये उस परमात्मा का विधान है और अपनी नेक आत्माओं को अच्छी आत्माओं को दृढ़ भक्त को वो आकर के मिलते हैं उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं ये विधान है परमात्मा का ऐसे गुण है भगवान के आत्माओं जब से ये आत्मा भगवान से परमात्मा से अलग हुई है विछुड़ी है उसी दिन से इसको परमात्मा के अभाव का एहसास हो गया था जो सुख इसको वह परमात्मा के चरणों में प्राप्त था उसको यहां नहीं प्राप्त हुआ उसकी खोज में ये इधर उधर भटक रही है उसी दिन से इसका कोई विकल्प इसको मिल नहीं रहा इस कारण से इसने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया इस काल भगवान ने हमें यहां उलझाए रखने के लिए हम एक दूसरे से जोड़ दिए अपने ही रॉ मटेरियल से हम उत्पत्ति करते हैं उन्हीं को हम अपना मानकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं टाइम पास हो जाता है और न जाने कब किसकी मृत्यु हो जाती है छोटे छोटे बच्चे होते हैं पिता की मृत्यु होगी कोई और कमाने को वाला नहीं हाहाकार मचा हुआ है जो लड़की उसके विवाही थी उसका अब कोई वारिस नहीं छोटे छोटे बच्चे उनको कौन पाले और पोसे जब तक हम ठीक रहते हैं तो हम इसको सुख मान रहे हैं जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तो हम इसको सुख मान रहे हैं और जिसमें ये आपत्ति आती है फिर हम डकरा डकरा के रोते हैं कोठियों को हम सुख मानते हैं अधिक संपत्ति को हम सुख मानते हैं तो हमने यही विकल्प मान लिया यहां कि यही सुख है लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है राजाओं ने राज त्याग दिए कि ये सुख ठीक नहीं उनको अच्छा नहीं लगा वो उन्होंने फिर परमात्मा वो सुख कांड ढूंढना चाह जंगल में वन में क्योंकि परमात्मा मिलने से ही सर्व सुख प्राणी को होता है तो जब से ये आत्मा भगवान से परमात्मा कबीर देव जी से सत्य पुरुष जी से बिछुड़ी है उसी दिन से उसकी खोज कर रही है इस काल भगवान को डर लगा रहता है कि कहीं इन जीवों को परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए यदि इनको परमात्मा का ज्ञान हो गया ये सभी यहाँ से भाग जाएंगे यहाँ किसी की रुचि नहीं रहेगी और इस काल भगवान को एक साप लगा हुआ है एक लाख मानव श्रीधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का जिसके लिए इसने हम सबको यहाँ पाल रखा है रोक रखा है और बलपूर्वक हमसे सब क्रियाएं करा रहा है परमेश्वर स्वयं आते हैं इस काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए तब तक हम इतने अनजान बना दिए जाते हैं अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों के द्वारा गुरुओं के द्वारा जो काल से प्रेरित काल के दूत बनकर आते हैं कि हम परमात्मा को पहचान भी नहीं सकते क्योंकि परमात्मा का विधान बदल दिया जाता है परमात्मा पाने की विधि को सारा उल्टा करा दिया जाता है जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राणी को नहीं मिलते और धीरे धीरे ये नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाता है वो दयालु परमात्मा फिर दया बख्शते हैं अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ आते